दोस्तों अगर आप भी ड्रीम इलेवन में टीम लगाते हैं और आपको ये जानना है कि ड्रीम इलेवन में आखिर कितने पॉइंट पर जीत होती है, कितना पॉइंट होगा तब मुझे पैसा मिलेगा, कितने पॉइंट पर हमें कितना पैसा मिलता है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करेंगे, अब यहाँ पर आपके सामने जो भी मैच अभी आने वाले होंगे यहाँ पर वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं किसी भी मैच को ओपन करके आपको ये दिखा देता हूँ कि आखिर ड्रीम इलेवन में कितने पॉइंट पर जीत होती है, ड्रीम इलेवन में जीतने के लिए कितना पॉइंट होना चाहिए। तो अभी ये चेन्नई और बेंगलोर के बीच आने वाला ये मैच है, इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 59 रुपए का एंट्री है और मुझे ये 29 रुपए में मिल रहा है, मान लीजिए मुझे इसमें मैच लगाना है, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रीम इलेवन में इस समय महा ऑफर चल रहा है। अगर आपके ड्रीम इलेवन पर रैंक 1 से 11 के अंदर आती है तो ड्रीम इलेवन में आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो आपकी रैंक चाहे 1 नंबर पर आए चाहे 11 नंबर पर आए, इस बार आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिर ड्रीम इलेवन में कितने पॉइंट पर जीत होती है, ड्रीम इलेवन जीतने के लिए कितना पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर आपको माई मैचेस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप माई मैचेस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको एक अपकमिंग और एक लाइव और यहाँ आपको एक कंप्लीट का ऑप्शन दिखाई देगा। कंप्लीट वाले मैच पर क्लिक करता हूँ। साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच इस मैच में मैंने टीम लगाया था और यहाँ पर मुझे 49 रुपए मात्र मिले हैं, तो मैं इसे अगर ओपन कर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक माई टीम और माई कॉन्टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसके जस्ट नीचे आपको एक प्राइज पुल दिखाई देगा 50 करोड़, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपके सामने एक लीडर बोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैच में मुझे केवल 49 रुपए मिले हैं और इस मैच में मैंने एक टीम लगाया था और इस मैच में जो मेरी पॉइंट आई थी वो 565.5 पॉइंट आई थी और मेरा जो रैंक आया था यहाँ पर 43,52,325। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस मैच में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया जीता है और इनको 807.5 पॉइंट मिला है और इनकी जो रैंक आई है वो 1 नंबर पर आई है। तो अगर मुझे इनकी टीम को देखना है तो मैं इनकी टीम को देख सकता हूँ कि इन्होंने अपनी टीम में किस किस प्लेयर को लिया था, किसको कैप्टन और किसको वाइस कैप्टन बनाया था, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। दोस्तों कभी कभी आप देखते हैं कि 900 पॉइंट पर जीत होती है, कभी 1000, कभी 1200, कभी 1300। इस मैच में केवल 807.5 पॉइंट पर ही जीत हुई है, यही सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो दोस्तों समझ लीजिए आज के इस मैच में न ज्यादा रन बना होगा न ज्यादा विकेट लिया गया होगा। अगर कोई भी प्लेयर किसी भी मैच में सेंचुरी लगा देता है और कोई भी प्लेयर सबसे ज्यादा विकेट लेता है तो उस मैच में 1200 या 1100 या 1000 के बीच उस मैच में जीत होती है, उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिर ड्रीम इलेवन में कितने पॉइंट पर जीत होती है, ड्रीम इलेवन में जीतने के लिए हमें कितना पॉइंट होना चाहिए। ड्रीम इलेवन में जीतने के लिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसा मैच रहेगा वैसा आपको पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आप इतने पॉइंट लाएंगे तो आपको जीत हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ड्रीम इलेवन में पॉइंट पर पैसा मिलता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ड्रीम इलेवन में पॉइंट पर पैसा नहीं मिलता है, ड्रीम इलेवन में जो पैसा मिलता है वो रैंक पर पैसा मिलता है। यहाँ पर आपकी रैंक जैसी होगी वैसे आपको पैसा मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।